नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ सुखमय स्थिति में होंगे। जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब हो जाइए तैयार, कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जुनकाल में बिना बादल के भी बरसात होने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार पकड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगता होगा, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी ग्रहों की जो दशा है, ग्रहों की जो स्थिति है, वो बहुत ही सख्त हो चुकी है, शनमुख हो चुकी है, जिनमें दोस्तों अब आपको कोई भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता है ताकि उनको उनका फल मिल सके, ताकि उनको एक ना एक दिन इन्हें सभी का फल मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों होता कुछ ऐसा ही है, आपने भी पिछले समय बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक आपको उनका जो फल था, अभी जो उनका सुख आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। ईश्वर किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं करते। जी दोस्तों, और आपके भी साथ अब नाइंसाफी खत्म होने वाली है, अब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आपकी कुंडली पर पड़ चुकी है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का असीम कृपा आप सभी के जीवन काल में बरसने वाली है, जिनसे दोस्तों ताबड़तोड़ लाभ की प्राप्ति आपको होने वाले हैं। दोस्तों अगले 3 दिनों में ग्रहों की जो गोचर की स्थिति बनने वाली है, आप सभी की जीवन काल में बिल्कुल तूफान की तरह आने वाले हैं। और दोस्तों सभी देखने वालों का भी होश उड़ जाएगा, जो लोग सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, दोस्तों उनकी तो अब आंखें बंद होने वाली है, उनकी बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, जिनके भी जीवन काल में कृपा दृष्टि बरसा दे दोस्तों उनका बेड़ा पार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही संभावनाएं दिख रही है, ऐसे ही ग्रहों का संकेत मिल रहा है कि आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और एक क्षेत्र से नहीं बल्कि चारों क्षेत्र से आपको अनेकों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि दोस्तों ग्रहों के गोचर पर आधारित है। कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इन सभी के बारे में हम पूरे ही विस्तार से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें कि ग्रहों की जहाँ शुभ स्थिति है, वहाँ ग्रहों में विकट परिस्थिति का निर्माण करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सावधानियाँ भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होंगे, कौन कौन सी कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी बदलाव, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। उसके पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ, जय हो माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सभी को क्षण में प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अमूल्य ज्ञान से, बहुत ही सुंदर वाणी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया करने वाली है। इन्हें सुनकर आपको एक ऐसी एनर्जी की अनुभूति होगी कि दोस्तों आप हर कार्यों में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में भी आप खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, इन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा ने दरबार में सच्चे ज्ञान की खोज पर प्रश्न किया। मंत्री सहित सभी दरबारी राजा के प्रश्न पर विचार करने लगे। महामंत्री ने कहा, महाराजा आपके प्रश्नों का जवाब केवल श्रृंगगिरी ऋषि ही दे सकते हैं। महामंत्री और राजा ऋषि की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते एक कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति खेत में बीज बो रहा था। राजा ने उस व्यक्ति के निकट जाकर श्रृंगगिरी ऋषि के बारे में पूछा तो उस वृद्ध ने कहा, बेटा मुझे ही श्रृंगगिरी ऋषि कहते हैं। ऋषि की सादगी देखकर राजा काफ़ी प्रभावित हुआ। पूछा, गुरुजी मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, उनका जवाब देने की कृपा करें। ऋषि का आदेश पाकर राजा बोला,
सबसे अच्छा मित्र कौन है, सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा काम क्या है। ऋषि कुछ बोलने ही जा रहे थे कि वहाँ किसी के कहारने की आवाज आ गई। सभी उस दिशा में बढ़ चले। झाड़ियों और कांटों से जख्मी एक व्यक्ति कराह रहा था। राजा तुरंत उस व्यक्ति की मदद करने लगा और ऋषि ने जो जड़ी बूटी दी उस व्यक्ति पर लगाने लगा। वह व्यक्ति राजा के चरणों में सिर रखकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको मारने के इरादे से आपका पीछा कर रहा था। आपके परोपकारी स्वभाव ने मुझे पश्चाताप करने पर मजबूर कर दिया। उस जख्मी व्यक्ति के माफ़ी मांगने पर राजा ने श्रृंगी ऋषि से कहा, गुरुजी आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। इस पर ऋषि बोले, पुत्र आपके दो प्रश्न का जवाब तो मिल चुका है। सबसे अच्छा समय वर्तमान और सबसे अच्छा काम परोपकार है। रहा अच्छा मित्र तो वह आपका मन है जो हमेशा आपके साथ रहता है और सच्चे ज्ञान की खोज भी यही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों से कई शायद बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी के शुरुआशी और जगहों की बदलती चाल है, इन सभी के कारण कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, इस बातों का ध्यान रखना आपके लिए 3 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में धार्मिक संबंधी कार्यों में व्यस्त अपनी रहेगी। समान विचारधारा वाले किसी व्यक्ति से संपर्क करना आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा तथा जीवन स्तर को सुधारने के लिए सिद्धांतवादी और व्यापक दृष्टिकोण भी आप यश में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों बच्चों के करियर अथवा विवाह को लेकर चिंता रहेगी। दोस्तों घर की विलासिता संबंधी चीज़ों की खरीदारी में भी खर्च होगा जिसकी वजह से आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। दोस्तों अपनी मूल्य वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखें, उनके चोरी होने या फिर खोने की आशंका बन रही है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपके आसपास बन रही परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी सकारात्मकता और परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा दोस्तों, जिसकी वजह से कठिन बातों के भी आप हल निकाल पाएंगे। दोस्तों यह समय आपकी वजह से घर में आनंदित वातावरण बना रहेगा। घर के लोगों के आपके द्वारा योग मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि सामाजिक और फिर राजनीतिक गतिविधियों में दोस्तों यह समय आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। साथ ही महत्वपूर्ण लोगों से भी आपके संपर्क यश में मजबूत होंगे। दोस्तों यश में विद्यार्थीगण अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। दोस्तों यश में वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई के प्रति गर्चित रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपका ध्यान कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर जो है आकर्षित भी हो सकता है, परंतु दोस्तों उनमें दूरी बनाकर रखना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों किसी को पैसा उधार देने की आवश्यकता यश में नहीं है, दोस्तों इनसे आप यश में बचें। युवा वर्ग भी मौज मस्ती से ध्यान हटाकर करियर की तरफ फोकस करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में काम की वजह से आपको जीत हासिल होगी। आपके नेतृत्व गुणों द्वारा आप जो है परिस्थिति पर नियंत्रण करके लोगों को भी यश में मार्गदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों संयंत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए ये जो दिन है खास दिन होगा। काम से संबंधित बन रही है योजना को फिर से एक बार परख कर आगे बढ़ें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। दोस्तों यह समय पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। प्रॉपर्टी के विक्रय संबंधी योजनाएं भी यह समय सफल होंगी। दोस्तों परिवार में भी खुशी भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। दोस्तों व्यर्थ की गतिविधियों में खर्च की अधिकता रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके अंदर के कला गुणों को योग मार्गदर्शन और उचित संधि प्राप्त होने की वजह से आप जो है कला की ओर अधिक सुझाव दिखा सकते हैं। दोस्तों बच्चों के वर्तन में सकारात्मक बदलाव दिखेगा, जिनकी वजह से उनसे जुड़ी सारी चिंताएं आपकी मिटने लगेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे दोस्तों तन व फिर मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे।
मित्रों का सलाह इसमें भाग्योदय साबित होगा। कोर्ट केस में भी स्थिति आपके पक्ष में होने के योग है। इसके बाद दोस्तों, परंतु अपने विरोधी की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, आप किसी साजिश या फिर षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों में भी बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। दोस्तों, यदि संभव हो तो उन्हें फिलहाल यश में टालने में ही आपकी भलाई होगी। इसके बाद दोस्तों, यह समय किसी नए काम की शुरुआत आप कर पाएंगे। दोस्तों, आपके अंदर बढ़ रही सकारात्मकता की वजह से जीवन में नई दिशा देना आपके लिए संभव हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, आपको अधिकतर समय खुली हवा में बिताने की जरूरत होगी। नए विचार इसमें आएंगे जो कि भविष्य के लिए आपके उपयुक्त होंगे। इसके बाद दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में काम से संबंधित योजनाएं बनेंगी। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों में ये जो समय है आपके लिए सकारात्मक हलचल का समय रहेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें। ये आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके व्यवसाय के लिए आपके करियर के लिए जो समय होंगे, अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों तुरंत उन्हें अमल करें। दोस्तों, यश में परिस्थितियां लाभदायक है। साथ ही धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना यश में आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा तथा अपने परिजनों और पारिवारिक लोगों की परवाह करना आपके लिए आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के जो समय होंगे, दोस्तों अपने किसी भी योजना को कार्य रूप जो है देने के लिए अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। उनकी सलाह आपके लिए यश में जो है संजीदगी का कार्य करेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अत्यधिक मेहनत की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत रहेगी। समय समय पर उचित आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में चोट लगने या फिर एक्सीडेंट होने जैसी आशंका लग रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं या फिर अपना ध्यान रखकर ही वाहन को चलाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे।